हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आज है 11 जनवरी 2020 और आज के करंट अफेयर्स और उसके साथ जो स्टैटिक जीके है उसके रिवीजन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है भारत के किस एम्बेसी ने या दूतावास ने किस देश में वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया है तो ऑप्शन ए जापान बी नेपाल सी रूस और डी बांग्लादेश तो में भारत द्वारा मनाया गया नेपाल की राजधानी है काठमांडू रुपया वहाँ की करेंसी है और जहाँ तक बात करें भारत का पड़ोसी देश है सत्रह किलोमीटर भारत की बाउंड्री इससे लगती है और जापान की राजधानी टोक्यो करेंसी वहाँ की येन है रूस मॉस्को रूबल बांग्लादेश ढाका टाका चलिए अगला क्वेश्चन है कितने देश के राजदूत ने कश्मीर की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए थे तो ऑप्शन ए पंद्रह और ऑप्शन बी सोलह सी सत्रह डी अट्ठारह तो पंद्रह देश के ए इज़ द राइट आंसर कश्मीर की अगर बात करें तो इकतीस अक्टूबर दो को इसका बंटवारा हो गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में लद्दाख के जो हमारे नए गवर्न लेफ्टिनेंट गवर्नर गौर्न, लेफ्टिनेंट बने उनका नाम है आर के माथुर और जम्मू एंड कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू इसके बाद हमारे भारत देश में अट्ठाईस स्टेट हो गए और फिर नौ यूनियन टेरिटरी हो गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं परीक्षा पर चर्चा का तीसरा एडिशन कहाँ आयोजित होगा ऑप्शन ए इडन गार्डन स्टेडियम जो कहाँ है कोलकाता में तालकटोरा को स्टेडियम सी फिरोजा कोटला स्टेडियम वनखेड़े स्टेडियम तो वनखेड़े स्टेडियम है ये सब स्टेटिक जी के वनखेड़े स्टेडियम मुंबई एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं फिरोजा स्टेडियम दिल्ली इसी फिरोजा स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है और इसके एक पवेलियन को विराट कोहली के नाम पर रख दिया गया है ये सब करेंट अफ़ेयर्स है तो अभी ये होगा तालकटोरा स्टेडियम में ठीक है आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि तालो कटोरा स्टेडियम अभी कहाँ है जहाँ परीक्षा पे चर्चा 20 मार्च को इसी महीने के 20 तारीख को होना है तो आप इसे सर्च करें कमेंट करें ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए कमेंट प्लीज़ करें चलिए अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम का कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ खुला है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑप्शन है नई दिल्ली बी गुजरात सी उत्तर प्रदेश डी हिमाचल प्रदेश तो जो है ये साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर खुला है नई दिल्ली में गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो गांधीनगर जिला है वो कैरोसिन मुक्त ज़िला पहला है गुजरात के ही लोथल में पहला जो है समुद्री म्यूजियम खोला गया है इसी के महिसागर ज़िले में डायनासोर संग्रहालय खोले गए हैं और गुजरात के गांधीनगर में पहला सिटी बस बैटरी चालित सिटी बस सेवा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी खुलेगी और यहाँ जो ये राजनाथ सिंह की लखनऊ कॉन्स्टिटुंसी भी है और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है किस किस वाइज पॉपुलेशन वाइज चलिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और इन इन सब राज्यों के मुख्यमंत्री और इनकी लिस्ट चाहिए आपको गवर्नर की तो आप हमारे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम विश्व लजतेमा कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है ये दूसरा सबसे बड़ा है सबसे बड़ा मक्का में होता है तो इसलिए ऑप्शन है बांग्लादेश बी नेपाल सी पाकिस्तान डी अफगानिस्तान तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट हो आंसर होगा बांग्लादेश बांग्लादेश में इसकी राजधानी ढाका में ये आयोजित किया जा रहा है मुस्लिम विश्व लजतेमा कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश की बात करें तो बिमस्टेक मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉर्पोरेशन तो इसके जो हेड क्वार्टर है वो ढाका में है बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में ये कई एग्जाम में पूछा गया है और इसका मैंने ट्रिक भी बताया अगर आप लोग को इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसका हेड क्वार्टर है सार्क का ठीक है और पाकिस्तान जो है जानते हैं इस्लामाबाद अफगानिस्तान को काबुल और अफ़गानी यहाँ की करेंसी छठा क्वेश्चन है हमारे सामने यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग कहाँ हुई ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बी काठमांडू सी ढाका और डी मनीला तो इसकी जो है इमरजेंसी मीटिंग कहाँ हुई ब्रुसेल्स में बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स वहाँ इसकी इमरजेंसी मीटिंग मीटिंग हुई लिए ईरान और अमेरिका के कन्फ्लिक्ट को देखते हुए तो और काठमांडू जानते हैं आप ढाका बांग्लादेश की राजधानी है मनीला जो है वो फ़िलीपींस की राजधानी है पेसो वहाँ की करेंसी है और यहीं के थे रेमन मैगसेसे जिन्हें जिनके नाम पे रेमन मैगसेस से अवार्ड दिया जाता है इस बार ये रवीश कुमार को दिया गया था इंडिया के तो इन सब चीज़ों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है सात नंबर रिसेंट की आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है तो ऑप्शन ए ले बी जम्मू सी लद्दाख डी हिमाचल प्रदेश तो जो है ये इस बार की जो आइस हॉकी चैम्पियनशिप है वो लद्दाख क्षेत्र ने लद्दाख ने अपने नाम कर लिया है और ली और लद्दाख एक यूनियन टेरीट्री बने हैं इकतीस अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को तो ये सब आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है हेनली के पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है तो ऑप्शन ए है चौरासी ऑप्शन बी बेरासी सी एटी वन एटी थ्री तो पिछले साल इसकी रैंक थी भारत की एट्टी टू इस बार हो गई है एट्टी फोर दो पायदान नीचे ही चले गए हैं और इस में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है तो वो है जापान और इंडिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं इसमें अंठावन देशों को इंडिया जो है वीज़ा फ्री एक्सेस देता है जबकि जापान जो है वो एक सौ इक्यानवे देशों को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है तो ये हो गया पासपोर्ट इंडेक्स ये जरूर याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं एन एस ओ के अनुसार जी डी पी ग्रोथ कितना रहेगा इंडिया का भारत का जी डी पी ग्रोथ एन एस ओ के अनुसार एन एस ओ के लिए इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सरकारी ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन तो इसलिए याद रखना है क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जाता है सरकारी डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑप्शन ए पाँच परसेंट बी छः परसेंट सी सात दशमलव छः परसेंट डी छः परसेंट तो इसका जो है क्या आंसर होगा पाँच परसेंट जो है ये रियल ग्रोथ रेट होगा इसके अलावा जो आर है उन्होंने भी अनुमान किया है कि पाँच रहेगा और अगर बात करें एस की तो उन्होंने कहा है चार इसके अलावा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इन सब ने अपने अनुमान जारी कर दिए हैं जो कि सब ने अपनी रेटिंग घटा दी है तो आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत उन्नीस में और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी उन्नीस में और वर्ल्ड बैंक के जो अभी तेरहवें चीफ बने हैं उनका नाम क्या है देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के तेरहवें चीफ उनका नाम है डेविड मलपास ये सब याद रखेंगे और क्रिस्टीना लेगार्ड जिन्होंने इस्तीफा दे दिया तो वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड बन गई ये सब मैं डेली अपने करंट अफेयर्स तो में डिस्कस करता हूँ किस यूनिवर्सिटी को अब इंस्टीट्यूट ऑफ फेमेन्स का दर्जा मिला तो ऑप्शन ए गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बी एच यू आई आई टी खड़गपुर डी यू तो अब की बार ये गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को ये दर्जा मिला है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कमेंट जो हो आंसर उसको रियल किया करें इससे आपका रिवीजन अच्छा होगा आपकी सर्चिंग कैपेसिटी बढ़ेगी आप वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ मैंने दिसंबर के फुल मंथ के करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए हैं आप उसे जाकर देख सकते हैं आपके पूरे करंट अफेयर्स जो हैं वो एक साथ बैठे रिविज़न हो जाएंगे तो उसे प्लीज़ जाकर देखें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा कल का जवाब है कि ईरान जो था उस देश ने अमेरिका के सैनिकों को आतंकवादी घोषित कर दिया था कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान के सैनिकों को आतंकवादी घोषित किया था और इसने अब आतंकवादी घोषित किया आज का सवाल है स्पेन के नए प्रधानमंत्री कल मैंने इसका जवाब दिया था कल के करंट अफेयर्स में ऑप्शन है पेंड्रो सांचेज बी सना मारिन सी एंटोनियो कोस्टा और डी कोई नहीं इनमें से तो इसका कमेंट जरूर करें साथ ही साथ आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमारे इस चैनल पे सारे टॉपिक्स पे वीडियो पॉलिटी ज्योग्राफी हर चीज़ पे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू सो मच